आज हम लोग आज एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है कुछ चित्र बनाऊंगी, आप सब लोग उसको ध्यान से देखिएगा। सब लोग ध्यान से देखेंगे, अभी मैं कुछ चित्र बना रही हूं। क्या ये ये कौन से फल हैं? ये क्या है? ये फल सभी ने खाए हैं और सबने देखे भी हैं। आजकल तो आम की सीजन है ना, अभी भी आम आ रहा है बाजार में। जब आम को काटते हो तो अंदर क्या निकलता है? हाँ, कितना बड़ा बीज? ऐसा गुठली, जिसको क्या कहते हैं? गुठली, या हम लोग कहते हैं बीज। तो एक आम के अंदर कितने बीज निकलते हैं? एक बीज निकलता है। और ये क्या है? अनार खाया है सबने। अगर एक अनार को हम तोड़ दें, मतलब काटें, तो कितना निकलेगा? जैसे हमने ऐसे काटा अनार, मतलब एक फांक इसकी काटी, तो इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से लगे होते हैं ना, एक दूसरे से चिपके होते हैं रेड कलर के। ये क्या है? बीज, या आप लोग इसको कहते हैं। और ये भी आम का बीज है, या इसको कहते हो? और ये क्या है? सेब को किसी ने काट के देखा है? उसमें कितने बीज होते हैं? चार या छह, मतलब गिनती के होते हैं थोड़े से ही। और वो कैसे दिखते हैं? बिल्कुल ऐसे दिखता है। एप्पल का बीज आपको ऐसे दिखता है। अभी हमने अलग अलग तरह के बीज देखे। एप्पल में दो या तीन या छह सात बीज होते हैं, अनार में बहुत सारे बीज होते हैं, और आम में एक बीज। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो फल उगता है उसमें बीजों की संख्या अलग अलग होती है। किसी में एक होता है, कोई एक बीज वाला होता है, कोई ज्यादा बीज वाले। कोई कोई फल तो ऐसे भी होते हैं जिसमें भी बीज दिखाई नहीं देता। बताओ, केला। केला जब हम लोग खा ले तो पूरा खा लेते तो कुछ अटकता तो है नहीं, मतलब बीज के जैसी कोई भी चीज हमको दिखाई नहीं देती। क्या कोई और भी ऐसा फल है? अंगूर में होता है, लेकिन बहुत मुलायम होता है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता। आप अपनी किताब में देखो कौन कौन से। आजकल भुट्टे खाते हो? भुट्टे में कैसे चिपके होते हैं? पूरे के पूरे दाने। ये देखो मटर, मटर छीले हैं कभी? तो जो मटर के दाने हैं वो क्या है? बीज हैं। अच्छा, इसके बाद खीरा खाते हैं? खीरे में जो दिखता है वो बीज है। ये देखो आम की गुठली है। ये पपीता, पपीते में कैसे बीज होते हैं? काली मिर्च, उसकी क्या कहते हैं? काली मिर्च के जैसे। कैसे बीज होते हैं? काली मिर्च के बीज। अच्छा, और आप लोग मसाले खाते हैं? किसी ने साबुत धनिया देखा है? साबुत धनिया,
दाना जैसा, अच्छा वो भी तो बीज है। तो कोई कोई पौधे जो होते हैं, जो फल होते हैं, वो एक बीज वाले होते हैं और कोई कोई पौधे अनेक बीजों वाले होते हैं। अगर हमको उस बीज में से क्या करना है, नया पेड़ बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? एक मिनट, अब मैं आपको कुछ अलग अलग बीज दिखाऊंगी, सबको देखें। सब लोग इसको उठा के देखो क्या है इसके अंदर, सब लोग देखिए इसको क्या है इसमें, देखो सब लोग। नहीं नहीं, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के बीज हैं, देखो इसको, देखो अलग अलग तरह के बीज हैं कि नहीं है। जैसे मुर्गी जब अंडा देती है, तो जब अंडा टूटता है तो क्या होता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। अगर हम इन बीजों को जमीन में डाल दें तो क्या होगा, छोटा पौधा निकलेगा। जब कोई बीज हम जमीन में डालते हैं और उसमें छोटा पौधा निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंकुरण। क्या कहते हैं? ये देखिए, ये सारे अंकुरित मैंने किए थे, तो उसमें से छोटे छोटे पेड़। अभी मैं सारा एक एक पेड़ आपको दिखाऊंगी कि कौन सा हिस्सा उसका जड़ का है और कौन सा हिस्सा उसका तने का है। अब आपने ये देखा होगा कि जब किसान बहुत सारे बीज, जैसे 100 या 50, 200 बीज गेहूं के जमीन में डालता है, तो सारे के सारे उसमें से पौधे नहीं बनते, है ना? तो अभी हमको ये पता करना है कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज खराब हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पानी का गिलास है, ये क्या है? पानी। क्या कोई बता सकता है कि हमें ये पानी कैसे सहायता करेगा? सुशील आ गया हो? हाँ बेटा, आओ तुम इधर आओ, इसको गिलास को पकड़ो तुम, और बेटा तुम, ये बीज हैं बहुत सारे, है ना, ये पूरा पकड़ो और ये अब गिलास में डाल दो सारे। देखो एक जो दाना है वो ऊपर तैर रहा है, है ना? और दो और बीज दो। हाँ हाँ हाँ, चावल में भी गुण लगता है, बस हिलाओ मत। खराब है, बस छोड़ दो। अब इसमें से जो बीज तैर रहे, बैठ जाओ अपनी जगह, जो बीज नीचे, नहीं, जो बीज नीचे बैठ गए वो सब सही बीज हैं। इन सब बीजों में से अंकुरण होगा। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं वो बीज सारे खराब हो चुके हैं, इनमें घुन लग गया है या किसी वजह से ये नष्ट हो चुके हैं, और ये इनमें से नया पेड़ नहीं बनेगा, इनमें से नया पेड़ नहीं बनेगा। और जो बीज डूब जाते हैं उनमें से नया बीज, नया पेड़ बनता है। अब समझ में आया कि जो खराब बीज और अच्छे बीजों की पहचान कैसे की जाती है? आज जब आप शाम को घर में दाल बनाओगे ना, तो जब दाल साफ करती हो ना, तो जो बेकार वाली दाल, जो छोटी कटी हुई दाल को निकाल के फेंक देती हो, उसको पानी में डाल के देखना, तो अगर वो तैरेगी इसका मतलब वो खराब है, अगर वो डूब जाएगी मतलब सही है। ये है अच्छे और खराब बीजों की पहचान। अभी हमने क्या सीखा? अच्छे और खराब बीजों की पहचान। अब